अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज माशाल्लाह बासित भाई और आदिल भाई, इनसे मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। अभी ये था कि आदिल और बासित कहीं पर गए हुए थे और वापसी पर उन्होंने कहा कि चलो मुझसे भी हेलो हाई कर लेते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ज़रा कुछ थोड़ा बहुत चक्कर भी मार के आते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन तो है नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग घर से बहुत कम निकल रहे हैं, और जो कोई भी काम होता है वो हम लोग बहुत ही जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर पॉसिबल होता है कि वो काम हो जाएगा, वहाँ से वहीं से जो है हम अपना काम कंप्लीट करके तो घरों को वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा शुरू से जो है ना वो इस तरह की रूटीन है कि हमने कभी भी अकेले कोई काम नहीं किया। तो मेरी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बाय करनी थी, लेकिन क्योंकि ना आदिल था ना बासित था तो अकेले तो हम जाते भी नहीं शॉपिंग करने, तो इसलिए मेरा वो जो प्लान था वो पोस्टपोन होता जा रहा था तो बेसिकली अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सियालकोट के अंदर वी मॉल है, वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह का ब्रांड है और हर तरह की चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर हम जाके आज देखेंगे कि हमें जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो वहाँ से मिलती हैं कि नहीं मिलती। वी मॉल हम पहुँच चुके हैं और लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो बंद होगा, और यस मतलब कि ओ नो बट यस के एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड राइट नाउ, और टाइम जो है उसका 7:30 के करीब हो रहे हैं, 5 बजे तक, और यहाँ पे सब कुछ ही बंद है, मतलब एक शॉप भी नहीं खुली हुई। टाइम 5 के नहीं 7 बजे तक का टाइम है, हाँ 5 बजे तक का टाइम है, 5 नहीं 7 हो। तो फिर अभी इतनी जल्दी बंद होगी? अभी 7:30 हो रहे हैं बासित साहब, 7:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त सब कुछ जो है वो बंद हो चुका है, वो जो रेस्टोरेंट है वो खुले रह सकते हैं, उनका इशू नहीं है, बंद है ये भी, ये खुला हुआ है। तो बेसिकली बेसिकली मुझे जाना था जे डॉट पे, और लेकिन ये है कि इस वक्त सब कुछ ही यहाँ पर बंद है, तो अब यहाँ पे तो कुछ भी करने को नहीं है। तो अब आगे जाके देखते हैं कि हमारे जो दूसरे काम है वो हो सकते हैं। तो आगे जाके देखते हैं अब कि हमारे जो मज़ीद 2-3 और काम हैं वो आज की तारीख में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कल सैटरडे है तो कल दुकानें खुल जाएंगी? बंद है, वो कह रहा खुली हैं, तू कह रहा बंद है। खैर अभी यह है कि कल सैटरडे है तो आई एम नॉट श्योर कि कल भी दुकानें खुली होंगी या बंद होंगी, आइडिया नहीं है, बंद है, सब कुछ बंद है। और ये इस वक्त हमारा ये मॉल ऑफ सियालकोट है जिसका मुझे आइडिया नहीं है कि शायद ये वैसे ही, मतलब इसकी टाइम क्योंकि हो चुका है इसलिए बंद है, या फिर उन्होंने जो मॉल्स हैं उनको अभी तक रीओपन नहीं किया। मे बी मॉल्स के लिए यही है कि जब तक ये वायरस का सिलसिला चलता रहेगा तो गैदरिंग से बचने के लिए जो इस तरह के क्राउडेड प्लेसेस होती हैं वो बंद रहेंगी। तो कैंट के अंदर तो खैर ये जो रूल्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, कि अभी देख लें आपके सदर के अंदर भी इस वक्त ऑलमोस्ट 70-80% जो शॉप्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, और टाइम अभी हालांकि सिर्फ 7:43 हुए हैं। तो सिर्फ जो है वो मेडिकल स्टोर्स ओपन हैं या कोई खाने की जो शॉप्स हैं वो ओपन हैं, दूध वगैरह, बेकरीज हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो इनके अलावा जो दूसरी शॉप्स हैं वो इस वक्त सारी जो हैं वो क्लोज्ड हैं। तो खैर आज जो है वो दुकानें वगैरह तो सब क्लोज़ हो चुकी हैं, और अब यही है कि अब हम लोग घर जाएंगे। और ये देखें मास्क के बगैर आज बासित भाई कितने क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी दाढ़ी जो है ना वो उतार दी है। हाँ जी, बहुत क्यूट लग रहा है। परसों जो है हम ट्राई करेंगे दोबारा से कि हम टाइम पर अगर जा सकें तो हम लोग शॉपिंग जो है वो कर लेंगे। तो खैर आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है वो यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घर से निकलते हुए मास्क ज़रूर पहने। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।